देवास जिले की बागली में भी पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है। बागली सहित आसपास के क्षेत्र में बगुले और कौओं की लगातार मौत हो रही है। ऐसे में लोगों को अब बर्ड फ्लू की बीमारी का डर सता रहा है। पशु स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृत कौओं के सैंपल लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि कौओं और बगुलों की मौत का कारण क्या है। बीमारी के जांच के लिए अपन अभी का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। कल शाम को उनके पास दो कौए की साथ हुए थे जिसको हमने प्रिजर्व किया और अभी सुबह उसका सैंपलिंग कर रहे हैं। और एक आज सुबह भी हमें साफ हुआ जिसका भी अभी हमने प्रिजर्व किया है टीम द्वारा उसको किया गया। क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्र में अभी कौओं पे मृत्यु का वो खबरें आ रही है, पता भी चला जैसे इंदौर में है, मणिपुर में है, जैसे टीवी न्यूज से पता चला है। तो सावधानी के तौर पर हम भी अलर्ट हैं, हमारी पूरी टीम अलर्ट है। पूरे विकासखंड में हम निगरा कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। कहीं से भी कुछ भी ऐसा लगता है तो वो उसके लिए अपन तत्काल वो कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो विकासखंड में यही कर सकते हैं कि अपन अभी उनका पहले सैंपल करके पता करेंगे किस तरह की क्या वेराइटी है, स्ट्रेन है। तो अभी ये बताना मुश्किल है कि ये किस तरह से हो रहा है, पर लेकिन सस्पेक्टेड है कि ये बर्ड फ्लू की एक वेराइटी जो H5N8 के नाम से जानी जाती है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए अपन अभी अलर्ट हो गए, काम कर रहे हैं।